नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना के बारे में जानकारी दूंगा और इसे कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप कौन कौन सी बीमारियों में इस दवा का उपयोग कर सकते हैं और कैसे ये आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, और साथ ही साथ अगर आप बेलाडोना लेना चाहते हैं तो कैसे आप यूज़ करें, इसका उपयोग आप कैसे करें, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ। और हाँ, मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको आंसर देने की। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ और बताऊँ कि मैसेज सेक्शन में कई बार फेक अकाउंट से, मतलब उसमें मेरा फोटो लगा हुआ रहता है, नाम लिखा रहता है और कुछ 1234 या कोई भी नंबर लिखा रहता है, और नीचे से बोलते हैं कि सर इस नंबर पे संपर्क करें, इस नंबर पे आप बात करें, इस नंबर पे डॉक्टर विक्रम मिल जाएंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे बात हो जाएगी या दवा मिल जाएगी। ऐसा लगता है कि मैंने मैसेज किया है लेकिन वो फेक है, और प्लीज़ ऐसा कुछ मैसेज आपको देखने को मिले कहीं पर भी, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी आपको ऐसा कोई मैसेज देखने को मिले फ्रॉड जैसा कि उसमें बोला जाए कि आप डॉक्टर विक्रम से मिल सकते हैं या आपको इतने पैसे देने होंगे, तो ये सब चीज़ें फ्रॉड है। प्लीज़ इससे ज़रूर बचें। आप मुझे सिर्फ ईमेल ही कर सकते हैं, और वो भी डिस्क्रिप्शन में ईमेल अकाउंट दिया गया है मैसेज सेक्शन में। तो चलिए आज का टॉपिक यानी आज की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं। बेलाडोना इन्फ्लामेशन के फर्स्ट स्टेज को ठीक करती है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के कारण वहाँ पर सूजन हुई, वहाँ पर लालपन हुआ, वहाँ पर आपको बहुत तेज़ दर्द है, और उस समय अगर आप बेलाडोना लेते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में, अगर आप बेलाडोना लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पर ठीक हो जाएगी, पस फॉर्मेशन नहीं होगा और अपने आप ही ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये इंटरनल इन्फ्लामेशन को भी ठीक करता है और एक्सटर्नल इन्फ्लामेशन को भी ठीक करता है। एक्सटर्नल मतलब आपके स्किन में, आपकी त्वचा में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, चेहरे पर पिंपल हो जाते हैं, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडनेस है, बहुत ज़्यादा लालपन है, बहुत ज़्यादा दर्द है और सूजन है, तो उस समय आप बेलाडोना यूज़ करें, आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इंटरनल मतलब अगर मान लीजिए आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, और मान लीजिए कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, मान लीजिए आपको सिंपली वायरल इन्फेक्शन हुआ है और वायरल इन्फेक्शन अंदर नाक में, बहुत ज़्यादा नाक के अंदर दर्द हो रहा है, थोड़ा सूजन भी आ गई है, साइनस एक्यूट साइनोसाइटिस की आपको प्रॉब्लम हो गई है, हल्का बुखार आ रहा है, फीवर, थोड़ा बुखार या ज़्यादा बुखार है आपको, और उस समय लालपन है, गला आप जब देखते हैं तो काफ़ी गला लाल है, टॉन्सिल की भी प्रॉब्लम है आपको, टॉन्सिल भी लाल हैं, बुखार भी है और दर्द भी है और सूजन भी है, तो ऐसी कंडीशन में भी बेलाडोना बहुत अच्छा असर करती है और इस प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। तो चाहे वो वायरल इन्फेक्शन के कारण हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो, मतलब जीवाणु और कीटाणु किसी भी कारण से अगर आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ या सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उस समय आप बेलाडोना यूज़ करेंगे, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये बुखार को ठीक करती है, बहुत तेज़ बुखार, जैसे टॉन्सिलाइटिस में जो बुखार होती है उसे ये ठीक करती है, और ये टॉन्सिलाइटिस को ठीक करती है, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, मतलब अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के कारण वहाँ पर सूजन हुई है, सूजन के कारण वहाँ पर लालपन है, लालपन और सूजन के कारण आपको बुखार है या शरीर में दर्द है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से, और यही इसके मेन सिम्टम हैं और यही इसकी मेन पैथोलॉजी है। बेलाडोना बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्यूट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब ये क्या है, अगर आपको कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ है, कहीं पर सूजन, दर्द, इन्फेक्शन के कारण हुआ है,
तो बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ये बहुत जल्दी असर करती है, आप लेंगे तुरंत आपको आराम लग जाएगा, विद इन 10 मिनट्स आपको आराम लग जाएगा। मैंने तो कभी कभी ऐसा भी देखा कि बेलाडोना 30 पिलाते से ही पेशेंट को आराम लग गया, मतलब सेकेंडों में इसका असर आपको दिख जाता है। इसे आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार इसे रिपीट कर सकते हैं, हर एक एक घंटे में, दो दो घंटे में इसे दे सकते हैं, डिपेंडिंग की क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है। और इसलिए ये एक्यूट कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, या आपको पेट में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपने कुछ खाया हुआ है और खाने के बाद एकदम से पेट फूल गया, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब आप पेट देख रहे हैं तो उसमें रेडनेस भी है, जब आप गला देख रहे हैं वहाँ भी रेडनेस है, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ है, उस समय भी आप बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, तब भी बेलाडोना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये एक्यूट कंडीशन के लिए एक्यूट होम्योपैथिक मेडिसिन है, और बेलाडोना को मोस्टली 30 CH पोटेंसी में अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेलाडोना आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद पिए हर एक एक घंटे में, डिपेंडिंग की आपकी प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए अगर आपको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, कल आपने कुछ खाया या पानी ठंडा पी लिया उसके कारण बिल्कुल टॉन्सिल फूल गए हैं, बुखार आ रही है, दर्द भी बहुत ज़्यादा है, तो आप बेलाडोना 30 दो दो बूंद हर एक एक घंटे में लेंगे, आपको 2-3 बार ही लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी आराम लगेगा। ऐसे ही एक्यूट साइनोसाइटिस, एक्यूट राइनाइटिस, एक्यूट फेरेंजाइटिस, इन सब कंडीशंस में बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन अगर किसी को फोड़ा हो गया है मान लीजिए और वहाँ पर रेडनेस बहुत ज़्यादा है, बेलाडोना 30 ही लीजिए, लेकिन इसे आप हर एक एक घंटे में मत लीजिए। हर एक एक घंटे में लेंगे रिजल्ट आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको हर 3-3 घंटे में लेने से मिलेगा। तो अगर आपको फोड़े फुंसी की समस्या है तो बेलाडोना 30 दो बूंद लगभग दिन में 3 से 4 बार आप पिए, आपको बहुत जल्दी आराम लगेगा। अगर मान लीजिए किसी को बुखार है वायरल इन्फेक्शन के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, बेलाडोना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बेलाडोना और इसकी पैथोलॉजी, और आपको कौन कौन सी बीमारी में और किस कंडीशन में बेलाडोना को यूज़ करना चाहिए और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में बताऊंगा कि कब तक आपको इसे यूज़ करना है। तो आपकी प्रॉब्लम एक्यूट है, 15 दिन मान लीजिए, 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए तो 1 दिन से लेकर 15 दिन तक आप ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर एक रेड का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, इसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दीजिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।